मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितनी मेरी दिवाली होती है मोस्टली उत्तराखंड में ही होती है हमेशा. आई वन मिस टूरिज्म वर्ल्ड इन चाइना. तो जब मैं वो जीती थी तो करीबन लाइक लाखों में यू नो दे वर लाइक क्रैकर्स एंड एवरीथिंग. तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही सबसे ज्यादा यादगार दिवाली रही है मेरी लाइफ की. सनीडियोल आई थिंक एटम बॉम्ब ही विल बी बॉम्ब एंड मिठाई तो ही विल बी बेसन के लड्डू. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड लाइफ. दिवाली का मौका है और इस मौके पर हमारे साथ बॉलीवुड की सबसे हसीन अदाकाराओं में से एक उर्वशी रौतेला साथ हैं हमारे. उर्वशी, आपका बॉलीवुड लाइफ पे बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच. तो उर्वशी, थैंक यू वेरी मच कि आपने दिवाली के टाइम में बॉलीवुड लाइफ के लिए एक टाइम दिया जहाँ पे हम लोग आपसे दिवाली के बारे में बात कर सकते हैं. इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू आपके लिए. थैंक यू. तो उर्वशी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि दिवाली हर किसी के लिए खास होती है और इसका मतलब हर किसी के हिसाब से अलग अलग होता है क्योंकि इसकी स्टोरीज अलग अलग होती है. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए दिवाली का मतलब क्या है. जी, मेरे लिए दिवाली हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है ऑब्वियसली. और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दिवाली क्योंकि बचपन से ही लेकर के आपको तो पता ही दिवाली सिर्फ एक दिन की नहीं होती है, पूरा एक वीक लॉन्ग इतना बड़ा हमारा फेस्टिवल है. राइट, चलो ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं धनतेरस से. धनतेरस आ गया, फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, फिर आपकी हमारा भाई दूज, गोवर्धन पूजा. तो मतलब बचपन से ही मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहती थी दिवाली के लिए. और जो पूरा एक वीक लॉन्ग जो प्रोसेस है पूरा फुल ऑन लॉट्स ऑफ फन, मस्ती होना और मिठाइयाँ, एवरीथिंग. सो इट वाज मतलब हमेशा से ही बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है दिवाली को लेकर के. तो वो है जी, यू नो दिवाली पर अक्सर ऐसा होता है कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ कहानियां होती हैं क्योंकि हम लोग बचपन से घर में दोस्तों के साथ अंकल ताऊ जी चाचा जी सब लोग मिलते हैं. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके साथ कुछ ऐसी याद है जो कि आप फैंस के साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई खास इंसिडेंट जो कि आपको कभी हुआ लेकिन आज तक याद है. जी, दिवाली तो हमेशा से ही परिवार वालों के साथ ही मनाई है, बट एक सबसे ज़्यादा स्पेशल दिवाली मेरी तब की थी जब आई वन मिस टूरिज्म वर्ल्ड इन चाइना. और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं पहली भारतीय थी, आई वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन मिस टूरिज्म वर्ल्ड इन चाइना. तो जब मैं वो जीती थी तो करीबन लाइक लाखों में यू नो दे वर लाइक क्रैकर्स एंड एवरीथिंग. तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही सबसे ज़्यादा यादगार दिवाली रही है मेरी लाइफ की क्योंकि दिवाली के दिन स्पेशली अपनी फैमिली से दूर, बट कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ हो जाना अपने देश के लिए, यू नो. सो दैट वॉज अ वेरी प्राउड एंड वेरी मेमोरेबल दिवाली. आज भी याद है मुझे वो दिन था 5 नवंबर 2011. तो इट वॉज लाइक अ मोस्ट मेमोरेबल दिवाली फॉर मी. और इसके अलावा आई थिंक इस साल की दिवाली बहुत मेमोरेबल होने वाली है बिकॉज मैं अपने नए घर में प्रवेश करूँ. तो यू नो जैसा कि आपने कहा कि आप नए घर में प्रवेश करने वाली हैं और अगर हम बात करें तो ये दिवाली कई लोग बोल रहे हैं कि कोरोना की वजह से वैसे भी डिफरेंट होने वाली है. आप अच्छे काम के लिए जा रही हैं, बट क्या होगा कि इसकी वजह से कई सारे लोगों को आप जो बुलाना चाहते हैं नहीं बुला पाएंगे, या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग जो कि सरकार की तरफ से बोला जा रहा है उन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, पॉल्यूशन ना हो, वो सारी चीजें हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए ये दिवाली कैसे डिफरेंट होने वाली है पहली दिवाली से. जी, जब भी मैं आई गो बैक टू माय होम टाउन उत्तराखंड, तो ऑब्वियसली आई मीन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मेरी फैमिली मेंबर्स को क्योंकि ऑटोमेटिकली अपने आप बिन बुलाए इतने सारे लोग आ जाते हैं. तो ज्यादा लोग तो वैसे भी कभी नहीं आते हैं, बट इट्स अ वेरी क्लोज फैमिली अफेयर. बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं और बहुत ही कम लोग बहुत ही ज्यादा क्लोज जो होते हैं वही होते हैं. तो आई मीन और मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं मैं उनको भी मिलने वाली हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. So, I hope, जो आप बता रहे हो तो इस बार आप दिवाली उत्तराखंड में मनाने वाली हैं अपने होम टाउन में. जी, उर्वशी, इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपसे वाकई पूछना चाहता था क्योंकि आप उत्तराखंड की रहने वाली हैं तो और काफी टाइम से आप दिवाली बाहर मना रहे हैं क्योंकि आप काम में बिजी रहते हैं, कभी शूटिंग है कभी कुछ फोटोशूट है. सो उत्तराखंड की दिवाली और मुंबई या फिर बाकी शहरों की दिवाली में क्या फर्क आपको लगा अब तक? एक्चुअली हमारा
फैमिली रिचुअल है, फैमिली ट्रेडिशन है कि दिवाली में चाहे आई हैव टू टेक अ फ्लाइट, मैं मतलब सिर्फ दिवाली पूजा अटेंड करूं, बट आई हैव टू बी इन उत्तराखंड. तो ऑनेस्टली सारी दिवालीज, मैंने मोस्ट ऑफ दिवालीज उत्तराखंड में ही मनाई है, बिकॉज हम उस रूल को तोड़ नहीं सकते. सिवाय एक दो दिवाली के जो बॉम्बे में मनाई होगी, या फिर एक दिवाली में आई वॉज इन लंडन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितनी मेरी दिवाली होती है मोस्टली उत्तराखंड में ही होती है हमेशा. So, उनमें डिफरेंस क्या आपको लगा कि चलिए मुंबई में मनाएं क्योंकि देश तो हमारा वही है, लेकिन फिर भी अपने घर की बात जो होती है वो थोड़ी अलग ही रहती है हर बार, तो आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ? डिफरेंस ये है कि जो बॉम्बे वाली दिवाली है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं और इट्स वेरी कमर्शलाइज्ड, वेरी लाइक अ पार्टी ओरिएंटेड, लाइक अर्बन दिवालीज कैसे होती है अर्बन सिटी की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपलर होती है और फैमिली के साथ एक अलग रहता है. और जब जो यहाँ की कमर्शियल दिवाली पार्टीज हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अलग फ्लेवर की होती हैं, एंड देर आर लॉट ऑफ पार्टीज और कार्ड पार्टीज, बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज होती हैं. तो या दैट्स डिफरेंट. तो ऋषि, क्योंकि दिवाली का मौका है और इस समय सारी चीज़ें फट फट होती हैं, सो मैंने आपके लिए एक रैपिड फायर रेडी किया है. एंड इसमें मैंने आपने जिन आर्टिस्ट के साथ काम किया है, जिनके साथ कोलैबोरेशन किया है, उनके नाम लिए हैं. एंड आपको मुझे बताना है कि ये आर्टिस्ट किस क्रैकर की तरह या किस मिठाई की तरह है, क्योंकि आपने उनके साथ काम किया है. सो आपको ये झटपट मेरे को बताना है रैपिड फायर में. सो आई होप कि आप रेडी हैं एकदम. या आई एम रेडी. So, अगर मैं सनी देओल साहब, I think atom bomb, bomb he will be bomb, and मिठाई तो he will be बेसन के लड्डू. Okay, and Hrithik Roshan. Hrithik Roshan because I think rocket. Okay. And his और मिठाई तो काजू कतली, because of his frame and he's tall and slim, that's why. Yeah. Okay. John Abraham. Oh, John Abraham will be Anar. Okay. Or I think mithai mein he will be jalebi. Okay. So Anil Kapoor. Oh, Anil Kapoor. Anil Kapoor will be diya. Okay. I mean cracker mein aapko main kya, kaun sa cracker bolu? आप मिठाई या क्रैकर में से एक चूज कर सकते हो, एक नाम दे सकते हो. अच्छा ठीक है फाइन. सो कोई भी शुगर फ्री मिठाई. ओके, एवरग्रीन टाइप के आप कभी भी खा सकते हो किसी भी एज के. एग्जैक्टली. हां, रितेश देशमुख. रसगुल्ला मैंने बोल दिया आई थिंक, राइट? नहीं, लड्डू बोला था आपने. लड्डू रसगुल्ला. ओके. विवेक ओबराय. और कौन कौन से मिठाई के ऑप्शन है? आई मीन कई सारे अभी आते हैं, काजू कतली आपने बोल दिया है, उसके अलावा रबड़ी होती है. हाँ, रबड़ी या रबड़ी. ओके. अगर मैं हनी सिंह की बात करूं तो. ओ, वो तो हनी सिंह की तो हनी सिंह आई थिंक ही विल बी केसर की लस्सी. आई थिंक सो. या. ओके. एंड पुलकित सम्राट. पुलकित सम्राट विल बी फूलझड़ी. उर्वशी, थैंक यू वेरी मच. आपने दिवाली में अपना टाइम निकाला बॉलीवुड लाइफ के लिए, एंड आई होप आप अपने नए घर में, जैसा आपने बताया, प्रवेश कर रही हैं, तो आपके लिए घर नई सफलताएं और नई ऊंचाइयां लेकर आए, और आप लोगों के दिलों पर हमेशा ऐसे ही राज करते रहे. सो मच. थैंक यू सो मच. एंड आई विश ऑल द लव, लक, सक्सेस फॉर यू एज वेल. थैंक यू सो मच. थैंक यू उर्वशी. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. थैंक यू.